होल स्काई में आप सभी का स्वागत है। सुडोन की एक ऐसी काली लड़की अब फैशन आइकन बन चुकी है, जिसकी मौजूदगी को लोग अंधेरा मानकर नजरअंदाज कर देते थे। बचपन से लेकर बड़े होने तक हर बार हर मोड़ पर काले रंग की वजह से उसका मजाक बनाया गया, लेकिन अब वो एक मिसाल बन गई है। नाम है न्याकिम गाटवे, उम्र है 24 साल। 14 साल की उम्र तक उनकी जिंदगी इथोपिया और केन्या के रिफ्यूजी कैंप्स में बीती। यहाँ उन्हें उनके स्किन कलर की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा था। उनके क्लासमेट्स उनसे कहते थे कि वो सालों से नहाई नहीं है, इसलिए इतनी गंदी दिखती हैं। जब टीचर उनसे कोई सवाल पूछती तो बच्चे कहते कि वो किससे बात कर रही हैं, उन्हें तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। इस पर सब जोर जोर से हंसते और न्याकिम रोने लगती। 14 साल की उम्र में न्याकिम का परिवार अमेरिका आ गया, वहाँ भी ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन फिर जिंदगी बदली एक उबर ड्राइवर की वजह से। साल 2019 के मार्च महीने में खुद न्याकिम गाटवे ने ये कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की और देखते ही ये वायरल हो गई। कहानी यूं थी, उबर ड्राइवर ने न्याकिम का काला रंग देखकर उनसे पूछा कि अगर उन्हें $10,000 दिए जाएं तो क्या वो अपनी स्किन का कलर बदलने के लिए उसे ब्लीच करवाएंगी। इसके बाद न्याकिम को ये एहसास हुआ कि उन्हें सबसे पहले खुद ही अपने आप को उस स्किन कलर के साथ स्वीकार करना होगा। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया, अब वो मॉडलिंग की दुनिया में खूब नाम कमा रही हैं। ऑफ इंस्टाग्राम पर भी उनके फॉलोअर्स की संख्या कई हॉलीवुड और बॉलीवुड स्टार से ज्यादा है। अब वो सेल्फ एक्सेप्टेंस को लेकर एक्सपर्ट्स की तरह बात करती हैं। अब वो दुनिया की सबसे काली लड़की बनकर बेहद खुश हैं। हालांकि लोग उन्हें अब क्वीन ऑफ डार्कनेस भी कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।